हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके इंग्लिश लिटरेचर बुक के अगले चैप्टर यानी चॉकलेट्स इन योर ड्रीम्स 2 के थर्ड एक्ट के बारे में। इस एक्ट में गोपा के बेडरूम को दिखाया गया है। दीवारों पे म्यूजिक और स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटो टंगे हुए हैं। बेडरूम में एक बुक सेल्फ भी है, एक स्टडी टेबल है जिस पे टेबल लैम्प रखा हुआ है, एक चेयर भी दिखाया गया है। वॉल पे हुक्स के सहारे शर्ट और ट्राउज़र टंगे हुए हैं। गोपा अपने नाइट ड्रेस में बेड पे लेटा हुआ है, वो काफ़ी गहरी नींद में है। तभी गोपा को कुछ आवाज़ें आती है। गोपा अचानक से अपनी आंखें खोलता हुआ बोलता है, रोमा क्या ये तुम हो? ये रोमा नहीं, एक्चुअली मैं एक एलियन था। तो पीछे से उस एलियन की आवाज़ आती है, नहीं नहीं मैं रोमा नहीं हूँ, ये मैं हूँ। गोपा अपने चारों तरफ देखता है, फिर पूछता है, कौन हो? एलियन की फिर से आवाज़ आती है, ये मैं हूँ, इधर इधर। गोपा फिर से चारों तरफ देखता है और पूछता है, कहाँ, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे। एलियन की फिर से आवाज़ आती है, तुम्हारे शर्ट के पॉकेट में। गोपा थोड़े आश्चर्य से बोलता है, वाओ मेरे शर्ट के पॉकेट में। फिर वो अपने नाइट शर्ट के पॉकेट में चेक करने लगता है। तभी एलियन की आवाज़ आती है, ओह नहीं, तुम्हारे नाइट शर्ट के पॉकेट में नहीं, तुम्हारे दूसरे शर्ट के पॉकेट में डियर। गोपा थोड़ा कंफ्यूज होता हुआ बोलता है, कहाँ है मेरे शर्ट की पॉकेट? फिर एलियन बोलता है, वही शर्ट जो वॉल पे टंगी हुई है। गोपा रिप्लाई देता है, ओह आई सी। फिर अपने बेड से कूदता हुआ शर्ट की तरफ जाता है और फिर अपने पॉकेट से उस एलियन को निकालता हुआ बोलता है, वाओ ये कब मेरे शर्ट के पॉकेट में आ गया। इसके बाद उसके रूम में अंधेरा हो जाता है और फिर अचानक से जब लाइट आती है, वो छोटा सा एलियन अपने ओरिजिनल साइज़ यानी गोपा के हाइट के बराबर में आ चुका था। फिर एलियन कहता है, देखो मैं यहाँ हूँ अपने नॉर्मल साइज़ में। गोपा उसे आश्चर्य से देखता हुआ बोलता है, वाओ सच ए बिग बॉय। फिर एलियन रिप्लाई देता है कि मैं कोई बिग बॉय नहीं हूँ, मैं एक एलियन हूँ। गोपा फिर बोलता है, एलियन क्या ये तुम्हारा नाम है? एलियन बोलता है, वेल अर्थ के लोग मेरे नाम को प्रोनाउंस नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हारी इस दुनिया के लिए एलियन हूँ, इसलिए मैं भी खुद को एलियन ही कह रहा हूँ, तो तुम भी मुझे एलियन पुकार सकते हो। गोपा रिप्लाई देता है, ओह अच्छा, लेकिन तुम मेरे पॉकेट में आए कैसे? एलियन फिर रिप्लाई देता है, ये तो बहुत आसान है, लेकिन मैं तुम्हें ट्रिक नहीं बताऊँगा, ये एक सीक्रेट है। हम सभी एलियंस तो रेगुलरली ह्यूमन बींग्स के पॉकेट के अंदर चले जाते हैं और इस तरह से हम ह्यूमन बींग्स और उनकी दुनिया के बारे में जान पाते हैं। फिर गोपा एलियन से पूछता है, क्या तुम यहाँ हमारे वर्ल्ड और हमारे बारे में जानने आए हो? तो एलियन बोलता है, हाँ ये काम तो हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। गोपा बोलता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो एलियन ने कहा, तुमने बिल्कुल सही सुना। तो गोपा फिर से पलट के जवाब देता है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम हमारी दुनिया और हमारे बारे में जानने के लिए ही यहाँ पे आते हो। एलियन कहता है, बिल्कुल। गोपा फिर उससे पूछता है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम अगर मेरे पॉकेट में आए हो तो तुम सेम पर्पस के साथ आए होगे, मुझे और मेरी दुनिया को पढ़ने के लिए, जानने के लिए। एलियन भी कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर गोपा पूछता है, तो वो कौन सा पर्पस है? एलियन कहता है, मैं यहाँ तुम्हें और तुम्हारे एक्ट को देखने आया हूँ। फिर गोपा पूछता है, तो तुमने क्या जाना? एलियन कहता है, मैंने जो भी जाना और जो मैं बताने वाला हूँ उसे सुनने के लिए तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। गोपा कहता है, ऐसा तुमने क्या देख लिया जो मुझे उस बात को सुनने के लिए हिम्मत की ज़रूरत है? तो एलियन भी कहता है, पहले बताओ मुझे क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है, हाँ या ना।
गोपा बड़ी कॉन्फिडेंटली कहता है, हाँ मेरे अंदर हिम्मत है। एलियन कहता है, ओके तब सुनने के लिए तैयार हो जा। गोपा बोलता है, फाइन मैं बिल्कुल तैयार हूँ। एलियन अपने पॉकेट से कुछ पेपर्स निकालता है, उस पर लिखा हुआ था, नेम गोपा, एज 10 ईयर्स ओल्ड, स्कूल मॉडर्न इंडिया स्कूल, एरिया दिस दैट, मतलब एरिया की जगह पे कुछ लिखा हुआ था जिसका यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। फिर आगे एलियन कहता है, और हाँ गोपा अगले 5 सालों में तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देगा। गोपा नर्वसली एलियन के नज़दीक जाके बोलता है, व्हाट क्या कहा तुमने? एलियन उसे जवाब देता है, हम कई सालों से तुम्हारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं और हमारा रिपोर्ट यही बताता है। तो गोपा बोलता है, वाओ तुम मेरी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहे थे लेकिन अगले 5 सालों में मेरा शरीर काम करना बंद कर देगा, फिर मैं कॉलेज भी नहीं जा पाऊँगा, ऐसा कैसे हो सकता है? एलियन बोलता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। गोपा एलियन से थोड़ा दूर हो जाता है और फिर उसे बोलता है, नहीं नहीं तुम मुझे बेकार में डरा रहे हो है ना? तो एलियन जवाब देता है, इसलिए मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही कह दिया था, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तभी सुनना। गोपा फिर जवाब देता है, नहीं नहीं मैं बिल्कुल तैयार हूँ तुम्हारी बात को सुनने के लिए भी और उस पर भरोसा करने के लिए भी। फिर एलियन बोलता है, हम काफ़ी समय से तुम्हारी बॉडी को मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो माइक्रोब के साइज़ को अज्यूम कर सकते हैं और तुम्हारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जा सकते हैं ताकि वहाँ जाकर पता लगाया जा सके कि वहाँ पे कैसे सिचुएशन है। गोपा बड़े ही आश्चर्य में बोलता है, ओह अनबिलीवेबल, तो बताओ मेरे बॉडी के साथ क्या गलत हो रहा है? एलियन बोलता है, वेल मैं क्या कहूँ, पिछले कुछ सालों से तुम काफ़ी ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल हो गए हो। गोपा फिर पूछता है, क्या मैं इररिस्पॉन्सिबल हो गया हूँ? लेकिन मैंने ऐसा क्या किया डियर एलियन? एलियन जवाब देता है, माय डियर गोपा तुमने अपने अंदर बहुत सारी बुरी आदतें डेवलप कर ली है जिसकी वजह से ये सब होने वाला है। गोपा फिर बड़ी मासूमियत से पूछता है, ओह वो सारे बैड हैबिट्स क्या है? एलियन फिर बोलता है, वेट वेट इतनी भी जल्दी क्या है, आराम से बैठो। फिर उसे वहीं पे पास के ही एक स्टूल पे उसे बिठा देता है, फिर बोलता है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, सबसे पहली बात तो ये कि तुम अपना खाना समय पर नहीं खाते हो, तुम्हें जब भूख लगती है तो तुम खाते हो, नहीं लगती है तो नहीं खाते हो। तो गोपा जवाब देता है, वेल हाँ तुम्हारी बात सही है। एलियन फिर कहता है, न्यूट्रिशस नेचुरल और हेल्दी खाना खाने की जगह तुम जंक फूड खाते हो। फिर गोपा पूछता है, जंक का मतलब क्या होता है? मैं कोई कुत्ता या गाय नहीं हूँ जो मैं जंक खाऊँगा। एक्चुअली जंक का मतलब हुआ वेस्ट फूड, कचरा, ये सब। तो फिर एलियन उसे समझाते हुए कहता है, जंक मतलब वो जंक नहीं जो गाय या फिर कुत्ते खाते हैं, जंक का मतलब हुआ लाइक चॉकलेट, मिठाइयाँ, आइसक्रीम, च्युइंगम्स, कैंडीज, वेफर्स, ये सारी चीज़ें। फिर दूध और पानी पीने की जगह तुम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, ये सारी चीज़ें बहुत गंदी आदतें हैं। गोपा को काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होता है ये सब सुनकर। फिर वो पूछता है, पर मैं इन सारी चीज़ों को अगर खा रहा हूँ तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ? सारे लोग तो यही काम करते हैं, यहाँ तक कि ये सारी चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो जाती है और इन सारी चीज़ों को तो एडवर्टाइज़ भी किया जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए, फिर क्या गलत है इसमें? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर एलियन बड़े प्यार से बोलता है, माय डियर गोपा यही तो प्रॉब्लम है। गोपा फिर पूछता है, क्या प्रॉब्लम है बोलो? एलियन उसे एक्सप्लेन करता है, प्रॉब्लम ये है तुम नहीं समझ पाते हो कि तुम्हारी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है और क्या खराब है। तुम किसी चीज़ को इसलिए खा रहे हो क्योंकि दूसरे लोग भी वही चीज़ खा रहे हैं और साथ में ये इडियट बॉक्स टीवी भी तुम्हें सेम चीज़ करने को कह रहा है। अब बोलो क्या मैं गलत हूँ? गोपा को अब भी सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती है, वो फिर से बोलता है, प्लीज़ मुझे क्लियरली एक्सप्लेन करो।
तो एलियन फिर से उसे बताता है कि चॉकलेट्स में काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में मेटल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसके कारण ह्यूमन ब्रेन बहुत जल्दी ही डैमेज हो सकता है। गोपा फिर बोलता है, चॉकलेट्स में मेटल होते हैं? ओह नो। एलियन आगे और एक्सप्लेन करता है कि शुगर भी एक डेंजरस केमिकल है, अगर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसे कंज्यूम किया जाए तो ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है और हमारे सिस्टम को काफ़ी बुरे तरीके से अफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ और ऐसी कुछ कुछ बीमारियां हो सकती है। गोपा को यकीन नहीं हो रहा था कि शुगर यानी चीनी भी डेंजरस होता है, तो एलियन और एक्सप्लेन करता है, नहीं, अगर हम लोग स्मॉल क्वांटिटीज़ में शुगर लेंगे तो वो हमारे लिए डेंजरस नहीं होगा, लेकिन अगर हम उसे लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक होगा, जैसे हर समय चॉकलेट्स और मिठाइयाँ खाते रहना। और फिर पोटैटो वेफर्स को तेल में पकाया जाता है, जो हमारे हार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। गोपा बोलता है, ओह मैं तो ये नहीं जानता था, किसी ने मुझे बताया भी नहीं। तो एलियन उसे कहता है, माय डियर गोपा, तुम्हारी मम्मी हमेशा तुम्हें वार्निंग देती है कि इन सारी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। तो गोपा बोलता है, ओह तो तुम्हें ये भी पता है और तुम कंटिन्यूसली टीवी देखते हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि टीवी स्क्रीन से जो रेज निकलते हैं वो तुम्हारी आँखों के लिए कितने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं? इससे कुछ ही सालों में तुम्हारी आँखें खराब हो सकती है। तो गोपा जवाब देता है, ओह इसीलिए मेरे ज़्यादातर फ्रेंड्स चश्मा पहनते हैं। एलियन कहता है, हाँ बिल्कुल, और वो सारे हार्मफुल रेज और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। एलियन फिर आगे कहता है, और तुम एक्सरसाइज भी नहीं करते, यहाँ तक कि तुम आउटडोर गेम्स भी नहीं खेलते हो, जिसमें थोड़ी फिज़िकल एक्टिविटीज़ हो जाए, वैसे गेम्स तो तुम खेलते ही नहीं हो। फिज़िकल एक्टिविटीज़ हमारे बोन्स और मसल्स को फिट रखते हैं, और अगर तुम कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करोगे तो तुम्हारा बॉडी कुछ ही सालों में काम करना बंद कर देगा, यहाँ तक कि तुम्हारे बॉडी की ठीक से ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। गोपा फिर जवाब देता है, ओह मैं तो जानता ही नहीं था, किसी ने मुझे बताया ही नहीं। एलियन कहता है, लेकिन अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ और तुम्हें इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो तुम हमेशा बीमार ही रहोगे और बहुत ही जल्दी तुम बुढ़े हो जाओगे। तुम्हारा शरीर पहले ही बहुत वीक हो चुका है, तुमने इतने सारे केमिकल्स को कंज्यूम जो किया है। तो गोपा थोड़ा परेशान होता हुआ कहता है, ओह ये तो बहुत बुरा है, नहीं नहीं मुझे बीमार नहीं पड़ना है, मैं जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहता हूँ, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है। एलियन कहता है, ओह एस्ट्रोनॉट यानी तुम स्पेस में जाना चाहते हो? गोपा जवाब देता है, हाँ मुझे एडवेंचर और थ्रिल बहुत पसंद है। एलियन कहता है, हाँ क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए तुम्हें डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। गोपा पूछता है, डिसिप्लिन? कैसा डिसिप्लिन? मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ। एलियन कहता है, फाइन, सुबह में तुम जल्दी उठोगे, मॉर्निंग वॉक के लिए जाओगे, जल्दी से सो जाओगे, देर रात तक मूवीज़ नहीं देखोगे जिससे तुम्हारी आँखें खराब हो और हेल्थ भी, और जंक फूड भी नहीं खाओगे। गोपा जवाब देता है, फाइन डन, मैं अभी से ही सारे डिसिप्लिन को फॉलो करूँगा। एलियन भी उसे अप्रिसिएट करता है और कहता है, दैट्स गुड, मुझे यही उम्मीद थी, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि इस दुनिया के सारे बच्चे हेल्दी वाइज और खुश रहें। फिर गोपा उसे पूछता है, तुम्हारा मतलब ये है कि दुनिया के सारे बच्चे ठीक मेरे तरह ही बीमार होने वाले हैं? एलियन जवाब देता है, हाँ, बस तुम्हारे और बाकी बच्चों में बीमार होने के और जल्दी बूढ़े होने के कुछ साल ही डिफरेंस होंगे, 2 से 10 साल के बीच का अंतर होगा बस। गोपा भी पूछता है, बस? फिर गोपा बोलता है, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारे मैसेजेस को सारे बच्चों तक पहुंचना चाहिए, वो भी बहुत जल्दी। एलियन कहता है, हाँ हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि
कि सारे बच्चों तक ये बात पहुंचाए। तो गोपा पूछता है, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम हम सबको बचाना चाहते हो? एलियन कहता है, हाँ हम तुम्हें बचाना चाहते हैं। तो गोपा फिर उससे पूछता है, लेकिन तुम हमें क्यों बचाना चाहते हो? एलियन कहता है, क्योंकि तुम सब यूनिवर्सल ब्रदरहुड का एक पार्ट हो। तो गोपा उससे पूछता है, अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि पूरे यूनिवर्स में हमारे जैसे स्पेसीज होंगे हर जगह पे? तो एलियन कहता है, हाँ जैसे सन तुम लोगों का तारा है, और भी इस तरह के कई सारे तारे पूरे यूनिवर्स में हैं, उन पर भी किसी ना किसी तरह का कोई लाइफ होगा, और ये सब मिलकर के ब्रदरहुड को फॉर्म करते हैं। हम तो ह्यूमंस के हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ का बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और कोई क्वेश्चन पूछना है तुम्हें? गोपा बोलता है, हाँ एक और, क्या हम दोबारा कभी मिलेंगे? तो एलियन उसे जवाब देता है, तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे पाना तो बहुत मुश्किल होगा। गोपा कहता है, नो नो प्लीज़ बोलो ना। एलियन फिर कहता है, नो आई एम सॉरी, बाय बाय। गोपा फिर ज़िद करता है और बोलता है, प्लीज़ बोलो ना, हम कब दोबारा मिलेंगे, प्लीज़ बोलो बोलो बोलो। तभी वहाँ पे लाइट डिम हो जाती है और एलियन डिसअपियर हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। फिर जब लाइट आती है तो गोपा अपने बेड पे पड़ा हुआ था और वो बार बार यही सेंटेंसेस को दोहरा रहा था, प्लीज़ बोलो प्लीज़ बोलो। ये सब सुनकर उसकी मदर भागते हुए उसके पास आती है। मिसेस देव पूछती है, हे गोपा क्या बात है? गोपा बोलता है, वो कहाँ है, वो कहाँ है? मिसेस देव कहती है, कौन? गोपा फिर बोलता है, एलियन। मिसेस देव उससे पूछती है, कौन एलियन, कौन है ये? गोपा जवाब देता है, एक एलियन जो आउटर स्पेस से आया था, मैं अभी अभी उससे बात कर रहा था। मिसेस देव कहती हैं, तुम बात कर रहे थे? ज़रूर तुमने कोई सपना देखा होगा, चलो उठो। गोपा फिर कहता है, नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, मैं तो अभी उससे यहाँ पे चॉकलेट्स के बारे में बात कर रहा था। तो मिसेस देव कहती हैं, ओह तो अब तुम्हारे सपनों में भी चॉकलेट आने लगे, ये अच्छा है, तुम चॉकलेट्स के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते हो। ऑलरेडी 6 बज चुके हैं, अब तुम्हारे उठने का समय हो चुका है, जल्दी उठो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। तो गोपा कहता है, ओह लेकिन आज तो मेरे पास बहुत ही वंडरफुल चीज़ है अपने दोस्तों को बताने के लिए। मिसेस देव मजाक में कहती है, चॉकलेट्स के बारे में? गोपा कहता है, नो मम्मी नो, चॉकलेट सॉफ्ट ड्रिंक और वेफर्स को कंज्यूम करने के खिलाफ। मैं उन सबको बताऊंगा कि हमें चॉकलेट नहीं खाने चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक भी नहीं पीना चाहिए और वेफर्स भी नहीं खाने चाहिए। मिसेस देव कहती हैं, यही तो मैं तुम्हें कब से समझाना चाह रही थी। गोपा जवाब देता है, यस मम्मी, आप तो हमेशा ही मुझे खुश देखना चाहती थी, हेल्दी देखना चाहती थी और वाइज देखना चाहती थी, है ना? मिसेस देव कहती है, ओह हाँ, चलो अब उठो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। तो गोपा भी बड़े प्यार से अपनी मम्मी को कहता है, हाँ मम्मी आप तो एलियन से भी ज़्यादा वाइज हो। ये कहानी यहीं पे एंड हो जाती है। फाइनली जो चीज़ मिसेस देव अपने बेटे को नहीं समझा पाई, वही चीज़ एलियन ने उसे बड़े ही प्यार से समझा दिया। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी, मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।